हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पार्ट 2, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। कनेक्टिव टिश्यूज़ आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूट इन द बॉडी। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ों को, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, इन सबको कनेक्ट करके रखते हैं। और ये क्या है, हमारी बॉडी को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इट मीन्स ये क्या करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी को और लिंकिंग कर रहे हैं हमारे फंक्शंस को, टिश्यू हमारे फंक्शंस को जो कि हमारे टिश्यूज और ऑर्गन्स के बीच में होते हैं। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज टू स्पेशलाइज्ड टाइप। अब इसका अगर हम देखते हैं तो कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, विच इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ के एग्जाम्पल हैं। इन ऑल द कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सीक्रेट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कॉलेजन एंड इलास्टिन। यानी ब्लड के अलावा बाकी जितने भी ये टिश्यूज़ होते हैं ये सीक्रेट करते हैं कुछ फाइबर्स के थ्रू स्ट्रक्चरल प्रोटीन को, जिसे हम कह रहे हैं कॉलेजन और इलास्टिन। द फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ। अब ये फाइबर में जब ये प्रोटीन सीक्रेट होता है तो ये इसको स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी देता है एंड फ्लैक्सीबिलिटी टू द टिश्यूज। ओके, दी सेल्स ऑल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड विच अक्यूमिलेट बिटवीन सेल एंड फाइबर एंड एक्ट एज मैट्रिक्स, यानी जिसे हम कह रहे हैं ग्राउंड सब्सटेंस। यानी इसके अलावा और क्या वर्क है इसका, ये जो प्रोटीन है ये मॉडिफाइड होकर पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं विच अक्यूमिलेट, जो कि सेल्स और फाइबर के बीच में इकट्ठे होकर एक ग्राउंड सब्सटेंस बनाते हैं जिसे हम कह रहे हैं मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इन्हें हम क्लासिफाइड करते हैं 3 टाइप्स में, लूज कनेक्टिव टिश्यूज, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। सबसे पहले आता है लूज कनेक्टिव टिश्यूज। लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैज सेल एंड फाइबर लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। ये जो होते हैं ये लूजली पैक है, नाम से ही हमें पता चल रहा है, लूजली अरेंज रहते हैं सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में, जिसे हम क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल एलोअर टिश्यूज, इन्हें हम बोलते हैं एलोअर टिश्यूज। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट बेनिथ द स्किन, स्किन के जस्ट नीचे की तरफ। ऑफन इट सर्व अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। और ये क्या काम करते हैं, ये सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाते हैं एपिथेलियम का। इट कनेक्ट फाइब्रोब्लास्ट किसे कह रहे हैं हम, सेल दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट फाइबर, वो वाली सेल्स जो कि प्रोड्यूस कर रही हैं और सीक्रेट कर रही हैं फाइबर्स में। ओके, मैक्रोफैग्स एंड मास्ट सेल, यानी ये कहाँ पर हैं प्रेजेंट, ये कंटेन किससे बने हुए होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट से, मैक्रोफेजेस से और मास्ट सेल्स से। एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज लोकेटेड मेनली बेनिथ द स्किन। जो कहाँ पर हैं, मेनली ये हमारी स्किन के नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। द सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। और इसकी जो सेल्स होती हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं किसके, स्टोर करने के, किस चीज़ का, फैट। बेटा ये क्वेश्चन बनता है, ओके, एडिपोज टिश्यूज़ में कौन सा मटेरियल या फिर हम मैटर जो होते हैं बोल सकते हैं वो स्टोर रहता है, तो फैट इसके अंदर स्टोर रहता है। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट। वो वाला न्यूट्रिएंट जो जब हमने ज़्यादा खाना खा लिया है या ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमने ले लिए हैं और वो इमीडिएटली आप मतलब यूज़ नहीं हुए हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, फैट में, एंड आर स्टोर इन द टिश्यूज़। और वो कहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, इन टिश्यूज़ में स्टोर हो जाते हैं। फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़। फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शो अ रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यूज। अब इनका जो ओरिएंटेशन हो रहा है किस चीज़ का, फाइबर्स का, वो रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। जब ये रेगुलर होता है तो डेंस रेगुलर टिश्यूज बनाता है और अगर ये इरेगुलर है तो डेंस इरेगुलर टिश्यूज बनाता है। इन द डेंस रेगुलर
connective tissues. The collagen fiber are present in the rows between many parallel bundles of fibers. अगर ये regular, dense regular connective tissues हैं तो उसमें क्या होता है, collagen fiber जो होते हैं वो present होते हैं कैसे, row की form में, यानी parallel rows बनाते हैं और ये एक bundle का formation करते हैं. Tendons which attach skeletal muscles to bone and ligaments which attach one bone to another are example of this tissues. अब इसका example क्या है, tendons क्या होते हैं, ये skeletal muscles में को attach करने वाले, किससे, bone से, यानी bone और skeletal muscles को जो attach कर रहे हैं tendons हम उसको बोल रहे हैं, और ये कैसे हैं, dense regular tissues. okay. Dense irregular connective tissues has fibroblast. ये fibroblast के बने हुए होते हैं and mainly fiber के बने हुए होते हैं. Mostly collagen, इनका जो इनका example है collagen, that are oriented differently. ये इनका orientation different होता है, यानी अलग अलग इनका orientation होता है. These tissues present in the skin. ये कहाँ पर present होते हैं, skin में present होते हैं, cartilage में present होते हैं, bones में present होते हैं, and blood are various type of specialized connective tissues. ये specialized connective tissues के कुछ example इन्होंने दिए हैं. okay. इनके बेटा देखो, ये इनके figure 7.5 में dense connective tissues regular भी बताया आपको, irregular भी बताया है. okay. अब आता है आपके, the intercellular material of the cartilage is solid and पैलिएबल एंड रेजिस्टेंट कंप्रेशन. यानी कंप्रेसर के जैसे जब मान लो कोई चीज़ दब रही है उसके लिए ये क्या रहते हैं, रेजिस्टेंट रहते हैं. और ये कौन से हैं टिश्यूज़, कार्टिलेज टिश्यूज़ जो कि सॉलिड होते हैं. ये देखिए इस फिगर में इसको दिखाया आपको, बोन भी दिखाया. ए वाला जो डायग्राम है वो कार्टिलेज सेल्स का है, कार्टिलेज टिश्यूज़ बना रहे हैं. सेकेंड बोन का है, बोन का. और थर्ड जो है वो ब्लड का स्ट्रक्चर है. ब्लड में RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों के यहाँ पर आपको फिगर दिखाए गए हैं. ओके. द इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड पेलिएबल एंड रेजिस्टेंट कंप्रेशन. सेल ऑफ दिस टिश्यूज, यानी इसकी जो सेल्स होती हैं, आर इनक्लोज इन स्मॉल कैविटीज. ये इनक्लोज रहती हैं स्मॉल कैविटीज में विद इन द मैट्रिक्स. कहाँ पर, मैट्रिक्स के अंदर. और ये सीक्रेट करते हैं, इनको सीक्रेट करते हैं. मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट एम्ब्रॉय में अगर हम देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज आर रिप्लेस्ड बाय बोन इन एडल्ट्स. ये कार्टिलेज जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है बोन्स में, कहाँ, जब एडल्ट होते हैं. यानी ये क्वेश्चन बनता है बेटा, वर्टिब्रेट्स में जो कार्टिलेज होता है वो रिप्लेस होकर क्या बनाता है, अडल्ट में बोन्स में रिप्लेस हो जाता है, यानी बोन्स को बनाता है. कार्टिलेज इज अ प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज. ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है अडल्ट में, टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जोन्स, बिटवीन एडजेंस बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. और जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उसके बीच में भी ये बोन्स, इनकी जो बोन्स है उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स, और हमारे लिम्स में, हैंड्स में भी ये प्रेजेंट होता है. बोन्स क्या होता है, बोन्स कौन से टिश्यूज होते हैं, हैव अ हार्ड एंड नॉन पैलिएबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कॉलेजन फाइबर विच गिव बोन टू बोन इट्स स्ट्रेंथ. यानी कहने का मतलब बोन्स जो है वो नॉन पैलिएबल और हार्ड ग्राउंड सब्सटेंस से मिलकर बना है, और उसमें उस ग्राउंड सब्सटेंस में कौन सा मटेरियल प्रेजेंट होता है, कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कॉलेजन फाइबर्स. इनकी दोनों की क्या क्वालिटी होती है, ये बोन्स को टफ बनाते हैं, स्ट्रेच बनाते हैं, यानी इसकी स्ट्रेंथ को बनाए रखते हैं. इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी. और ये मेन टिश्यू है जो हमारे स्ट्रक्चर को फ्रेम देता है, हमारे स्ट्रक्चर को फ्रेम देता है. ओके. बोन सपोर्टेड एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. और बोन क्या करता है, सपोर्टिंग नेचर है इसका, सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करके रखता है सॉफ्टर टिश्यूज को और ऑर्गन्स को. द बोन सेल्स, जो बोन सेल्स होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लैक्यूनी. यानी बोन्स सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है स्पेस में, बोन्स के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं लैक्यूनी.
लिम्ब बोन्स, जो लिम्ब बोन्स होती है सच एज द लॉन्ग बोन ऑफ द लेग, जो लॉन्ग बोन है लेग लेग की, सर्व करती है वेट बियरिंग फंक्शन। ये वेट बियरिंग फंक्शन यानी हमारी बॉडी का जो वेट है उसको बियर कर सके, ऐसा ये अपना रोल प्ले करती हैं। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विथ स्केलेटल मसल अटैच्ड टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। इसके अलावा ये स्केलेटल मसल से जुड़कर हमारी बॉडी को मूव करने के लिए सूटेबल बनाती हैं। द बोन मैरो इज सम बोन इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, यानी बोन मैरो जो होता है वो बोन का ऐसा साइट है जो प्रोडक्शन करता है ब्लड सेल्स का। अब ब्लड क्या है? ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये ब्लड है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है कंटेनिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स जिसे हम शॉर्ट में बोल रहे हैं RBCs, वाइट ब्लड सेल्स जिसे हम कह रहे हैं WBC एंड प्लेटलेट्स। यानी जो ब्लड है वो फोर इसके कंटेनिंग पार्ट्स हो गए, फर्स्ट इज प्लाज्मा, सेकेंड इज RBC, थर्ड इज WBC एंड फोर्थ इज प्लेटलेट्स। इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूड दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस, ये सर्कुलेटरी फ्लूड है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारे सब्सटेंस को। यू विल लर्न अबाउट ब्लड इन चैप्टर 17 एंड 18, अब 17 और 18 चैप्टर में इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज मसल सेल्स, मसल्स टिश्यूज, मसल्स टिश्यूज क्या हैं? ईच मसल्स इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेंज इन अ पैरेलल एरेज, यानी मसल्स हैं लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर से मिलकर बने होते हैं जो पैरेलली अरेंज होते हैं। दीज फाइबर आर कंपोज ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स, ये बहुत सारे ऐसे फाइब्रिल्स से बने होते हैं, फाइन फाइब्रिल्स से, जिसे हम कह रहे हैं मायोफाइब्रिल्स। ओके, मसल्स फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट यानी शॉर्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है इन द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, जब हमें कोई स्टिमुलेशन मिलता है तो हम जो अपना रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं तो उससे ये जो मसल सेल्स होती हैं वो शॉर्टन हो जाती है, छोटी हो जाती हैं। देन रिलैक्स, जब हम रिलैक्स होते हैं तो ये बड़ी हो जाती हैं। ओके, यानी अपनी जो पोजिशन है रिटर्न पोजिशन में आ जाती हैं, अपने अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन, यानी जब, कहने का मतलब ये है जब हम थोड़ा सा स्ट्रेस में होते हैं या हमें कोई रिस्पॉन्स मिला तो हम स्टिमुलेट हुए और स्टिमुलेट होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इन ये जो मसल्स होती हैं ये अपना रेगुलर कोऑर्डिनेशन फैशन में बड़ी और छोटी होती रहती हैं। देयर एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन एनवायरमेंट एंड टू मेंटेन द पोजिशन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, और हम जो अपना एक्शन दिखा रहे हैं किसके लिए, एनवायरमेंट के थ्रू, और अपनी बॉडी की जो पोजीशन होती है, बहुत सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम बार बार चेंज करते रहते हैं, है ना, तो ये सारा की सारा किससे होता है, मस्कुलर टिश्यूज से होता है। इन जनरल मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट ऑफ द बॉडी, और ये अपना एक्टिव रोल निभा रही है कहाँ पर, हमारी बॉडी को मूव करने के लिए। मसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, ये थ्री टाइप की होती है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल्स टिश्यूज इज क्लोजली अटैच्ड टू द स्केलेटल बोन्स, ये स्केलेटल बोन्स से क्लोजली बिल्कुल अटैच्ड रहती है। इन अ टिपिकल मसल सच एज बाइसेप्स स्ट्रेटेड या जिसको स्ट्राइप्ड भी बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स फाइबर आर बाउंडेड टुगेदर इन द पैरेलल फैशन, यानी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल फैशन में रहती हैं। इसको आपको फिगर में भी दिखाया है, देखिए 7.7A, ये 7.7A, इसमें फर्स्ट वाली है स्केलेटल मसल्स, सेकंड वाली है इसमें स्मूथ मसल्स और थर्ड है इसमें कार्डियक मसल्स। तो जो स्केलेटल मसल्स हैं उसमें जो टिश्यूज होते हैं वो अरेंज रहते हैं पैरेलली। ओके, अ शीट ऑफ टाइट टफ कनेक्टिव टिश्यूज, एक शीट इनको जो टफ कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है वो इनक्लोज किए हुए रहती है इन बंडल्स को, मसल्स के बंडल्स को। ओके, और इसके बारे में बहुत डिटेल में हम कब पढ़ेंगे, लेसन नंबर 20 में। द स्मूथ मसल फाइबर टेपर, इनके जो एंड्स होते हैं, बोथ एंड्स, दोनों एंड्स ही इनके टेपर होते हैं, और एंड डू नॉट शो
स्ट्रेशन, यानी ये स्ट्रेट नहीं होने के बाद ये क्या होता है, इनके दोनों एंड्स जो होते हैं वो टेपर एंड होते हैं। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर, सेल जंक्शन जो होता है वो इनको जोड़े रखता है, एंड दे आर बाउंडेड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीट, और इसको बाउंडेड करता है किससे, एक कनेक्टिव टिश्यू शीट से। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन कंटेन इन दिस टाइप ऑफ मसल सेल्स, ये इसके एग्जाम्पल्स भी बता दिए। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री, स्मूथ मसल सेल्स जो होती हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं एज देयर फंक्शन। इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री फंक्शन मीन्स क्या होता है, इनवॉलेंट्री फंक्शन जो होते हैं जो हम बिना अपनी इच्छा के बिना करते हैं, और वॉलेंट्री जो होते हैं एक्शंस वो हम अचानक, मतलब जो हम अपनी इच्छा से करते हैं। एक इनवॉलेंट्री जो अचानक हो जाते हैं, जैसे आपका आपने किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को अगर टच कर लिया तो आपका हैंड जो होता है अपने आप होता है, अपने आप वहाँ से मूव कर जाता है, वो होता है इनवॉलेंट्री मसल्स, वो उसमें इन्वॉल्व होती हैं, और वॉलेंट्री जो हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। ओके, वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मार्क इन कॉन्टैक्ट मेयरली बाय थिंकिंग अबाउट एज वेल कैन डू विथ स्केलेटल मसल्स। अब आता है कार्डियक मसल टिश्यूज, इस कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज, ओके, दैट प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, केवल हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल, सेल जंक्शन जो होते हैं वो फ्यूज करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कार्डियक मसल्स की, एंड और देम टू स्टिक टुगेदर, और ये इनको जोड़ने का वर्क करते हैं। कम्युनिकेशन जंक्शंस जो होते हैं एट द सम फ्यूजन पॉइंट, ये कुछ फ्यूजन पॉइंट जहाँ पर ये मिल रही हैं, फ्यूज हो रही हैं, वहाँ पर कम्युनिकेशन जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। अलाउड द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट टू द यूनिट, दैट इज व्हेन वन सेल रिसीव अ सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक सेल ने इन सिग्नल्स को रिसीव किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, एंड इट्स नेबरस जो पास वाली सेल है ऑल्सो स्टिमुलेट टू कॉन्ट्रैक्ट, और वो भी स्टिमुलेट होकर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ओके, आज ये टॉपिक हम यहीं तक करते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक में हम न्यूरल टिश्यूज़ पढ़ेंगे। थैंक यू।